हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैपिटल एंटी कैसे करते हैं, कैपिटल क्या है और कैपिटल एंटी करने के लिए कौन सा लेजर क्रिएट करना होता है। ये सब आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा। पहले नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं टैली सॉफ्टवेयर का पूरी डिटेल्स सिखाऊंगा। देखिए पार्ट बाय पार्ट डे बाय डे लिखा है। चलिए कैपिटल एंटी कैसे करते हैं टैली में देखते हैं। कैपिटल होता है क्या? कैपिटल मूलधन है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल या मूलधन चाहिए। तो मूलधन कौन देता है बिजनेस में? बिजनेस का जो ओनर है, उस ओनर ने बिजनेस को चलाने के लिए मूलधन इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले बिजनेस का जो ओनर है उसका एक लेजर क्रिएट करना होगा। देखिए लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट लेजर्स, या बिजनेस का जो ओनर है ओनर का नाम लिखिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ SANDIPN संदीपन कुमार बाघ। ब्रैकेट में पहचानने के लिए ओनर लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूँ ओनर OWNER ओनर, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारा लेजर क्रिएट होता है, तो पहचानने के लिए मैं यहाँ ओनर लिखा। देखिए एंटर। अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं आया तो आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट एंटर। यहाँ ओनर का पूरी डिटेल्स लिखिए। एड्रेस कलकाता। पूरी डिटेल्स आप लिख सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। एंटर वेस्ट बंगाल, पिन कोड 743503। आपका ओनर का पूरी डिटेल्स एड्रेस लिखिए। एंटर। पैन नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। एंटर। यहाँ बिजनेस का जो ओनर है उसका कोई GST नंबर नहीं होता है, तो यहाँ अनरजिस्टर्ड। एंटर। देखिए बिजनेस का जो ओनर है उसका एक लेजर क्रिएट हो गया। लेजर मतलब खाते। बिजनेस का जो ओनर है उस बिजनेस का ओनर का एक खाता खोला, क्योंकि बिजनेस का जो ओनर है बिजनेस में जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों डिफरेंट पर्सन। क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जब मनी इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस का ओनर बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। इस तरह कंपनी लायबिलिटी होता है ओनर का, क्योंकि ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस से और बिजनेस ओनर को प्रॉफिट देगा, इसलिए ओनर का एक खाता चाहिए। तो खाता क्रिएट कर लिया। इसके बाद ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो मनी दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरा कैश से। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली से मनी रिसीव करना होता है। देखिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में आइए, वाउचर रिसिप्ट वाउचर एंट्री करना होता है। यहाँ देखिए वाउचर का पूरी लिस्ट यहाँ दिखा रहा है। यहाँ देखिए रिसिप्ट लिखा है। आप कीबोर्ड से F6 की फंक्शन की भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखिए रिसिप्ट वाउचर लिखा है। तो यहाँ अकाउंट में, जिस अकाउंट में ओनर मनी इन्वेस्ट कर रहा है उस अकाउंट का नाम लिखिए। अभी मैंने बोला कैश और बैंक। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 कैश दे रहा है, तो स्पेस यहाँ स्पेस देंगे तो यहाँ कैश लिखा है। कैश सेलेक्ट कीजिए। एंटर। पर्टिकुलर्स में स्पेस की प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर ओनर का नाम, देखिए ब्रैकेट में लिखा है ओनर्स। ओनर का नाम सेलेक्ट कीजिए। लेजर देखिए
कितना रुपया दे रहा है बिजनेस में, डिपॉजिट कर रहा है 50,000 दे रहा है, देखिए 50,000 एंटर। देखिए यहाँ पर अकाउंट कैश डेबिट हो रहा है, देखिए यहाँ पर डेबिट, और यहाँ देखिए ओनर क्रेडिट हो रहा है। ये जो खाते है कंपनी है, कंपनी का खाते है तो इसलिए कंपनी क्रेडिट है, देखिए क्रेडिट, और दूसरी तरफ कैश डेबिट है क्योंकि कैश में 50,000 डिपॉजिट हुआ है। बिजनेस लाइबिलिटी है किसके, ओनर के लिए, देखिए क्रेडिट है, देखिए एंटर प्रेस किया, एंटर एंटर, देखिए स्केप की प्रेस किया बैक। अब देखेंगे कैश में कितना रुपया है, देखिए गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स से अकाउंट्स बुक में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ कैश बैंक बुक लिखा है, यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए कैश इन हैंड देख सकते हैं 50,000 यहाँ दिखा रहा है क्योंकि ओनर्स ने डिपॉजिट किया कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए। देखिए एंटर प्रेस कीजिए, देखिए एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ जनवरी में रिसीव हुआ है दिखा रहा है एंटर। देखिए कौन डिपॉजिट किया, देखिए नाम ओनर का नाम एंटर, देखिए वाउचर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस तरह। अब मान के चल रहा हूँ बिजनेस का जो ओनर है उस ओनर ने बैंक में भी 25,000 डिपॉजिट किया कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस का अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो बिजनेस का भी एक अकाउंट होना चाहिए। देखिए एक अकाउंट आप बैंक में खुलिए, उसके बाद आप टैली लेजर में आके एक बैंक अकाउंट लेजर क्रिएट कर लीजिए। देखिए लेजर क्रिएट करने के लिए बैंक का गेटवे ऑफ टैली से आप क्रिएट में क्लिक कीजिए, फिर से लेजर में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट है कंपनी का, उस बैंक अकाउंट का नेम लिखिए, देखिए मेरा स्टेट बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक STATA स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब बैंक ऑफ बड़ौदा बा यूनाइटेड बैंक, कोई भी अकाउंट है तो आप उस बैंक का नाम लिखिए, एंटर एंटर, अंडर होगा बैंक अकाउंट, अंडर यहाँ देखिए लिस्ट है, यहाँ आप BANK लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बैंक अकाउंट्स दिखा रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए बा एंटर कीजिए, आप अकाउंट नंबर लिखिए बैंक का, ये कंपनी का बैंक अकाउंट, ओनर का बैंक अकाउंट नहीं है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का बैंक अकाउंट में ओनर बैलेंस डिपॉजिट कर रहा है, कैपिटल डिपॉजिट कर रहा है। देखिए मैं एक अकाउंट नंबर लिखा एंटर, IFSC कोड लिख दिया एंटर, आपका SWIFT कोड है तो आप लिख सकते हैं, मेरा नहीं है मैं एंटर स्किप कर रहा हूँ, एंटर ब्रांच नेम AMTAL आमतोला एंटर, आपका चेक है तो आप येस कर सकते हैं, एनेबल चेक प्रिंटिंग भी येस कर सकते हैं, ये दूसरी कोई वीडियो में मैं दिखाऊंगा, एंटर 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 करके मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ देखिए पिन कोड है, ये बैंक का डिटेल्स है, बैंक का पिन कोड आप लिखिए, मैं लिख रहा हूँ बैंक का पिन कोड, एड्रेस पिन कोड, बैंक का GST नंबर आप जानते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं बैंक का GST नंबर, नहीं तो आप यहाँ एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए एंटर 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 एक्सेप्ट कर लिया, मेरा बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। आप मैं मनी रिसीव करूँगा क्योंकि ओनर ने बैंक में 25,000 रुपया कैपिटल डिपॉजिट किया, तो यहाँ भी रिसीव करना होगा गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स। देखिए यहाँ रिसीव वाउचर है, पहले एक नंबर था, मैंने एक रिसीव वाउचर एंटी किया, आप देखिए दो दिखा रहा है, और आप कौन सा दिन ओनर ने बैंक में डिपॉजिट किया मनी उसका तारीख भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए तो F2 प्रेस करके आप यहाँ तारीख भी दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ 2 जनवरी, देखिए एंटर
अकाउंट्स, यहाँ बैंक होगा, देखिए यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लेजर क्रिएट किया उस लेजर को सिलेक्ट किया। पार्टिकुलर्स में मालिक जो ऑनर है, ऑनर का यहाँ लेजर सिलेक्ट किया, एंटर। देखिए ऑनर यहाँ 50,000 क्रेडिट है, क्रेडिट लाइबिलिटी, देखिए बिजनेस लाइबिलिटी है ऑनर के, यहाँ 25,000 लिखिए जितना रुपया डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, कैपिटल, एंटर। देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000 डेबिट, और यहाँ टोटल ऑनर देखिए 75,000 क्रेडिट। देखिए टोटल ऑनर ने कैपिटल डिपॉजिट किया 75,000, यहाँ क्रेडिट दिखा रहा है, एंटर। देखिए एंटर बैंक में दिया, तो यहाँ आप चेक नंबर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ऑनर का चेक नंबर यहाँ लिख दिया, एंटर। कौन सी डेट में पेमेंट किया, डिपॉजिट किया, उसका डेट भी आप लिखिए, क्योंकि टैली एक खाते है, इसलिए पूरे डिटेल्स यहाँ आप लिख सकते हैं, एंटर। यहाँ बैंक का नाम लिखना होता है, कंपनी का जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ऑनर का जो बैंक है, ऑनर जिस बैंक से डिपॉजिट कर रहा है उसका अलग बैंक हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ ऑनर का बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, उस अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट में डिपॉजिट किया, या ऑनर का बैंक अकाउंट लिखना होगा। देखिए स्पेस किया, स्पेस यहाँ स्पेसिफाई बैंक नेम सिलेक्ट कीजिए, इंटरफेस कीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, BARODA बड़ौदा, ऑनर का बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, उससे डिपॉजिट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंपनी अकाउंट में, एंटर। बैंक अकाउंट में कितना रुपया है देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं गेटवे टैली से, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स से आप यहाँ अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक बुक्स यहाँ देखेंगे, आपका कैश में कितना है 50,000 और बैंक में कितना है 25,000। देखिए ऑनर ने कैपिटल डिपॉजिट किया, अब बिजनेस करने से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कंपनी में बैलेंस आ गया। देखिए स्केप की प्रेस किया, गेटवे टैली से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट, देखिए लायबिलिटी, बैलेंस शीट का दो भाग होता है, एक लायबिलिटी होता है और एक एसेट होता है। देखिए यहाँ लायबिलिटी में 75,000 है, देखिए, और यह एसेट में देखिए कितना है 77,250। देखिए करंट एसेट देख सकते हैं, इंटरफेस किया, देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक है 2,250। मैंने दिखाया था क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू एंटी करते हैं, तो पहले वीडियो में अब मैंने दिखाया, अब देख सकते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो बिजनेस है, कंपनी है, उसमें दो ऑनर है, दो के ज़्यादा भी ऑनर हो सकते हैं, जितना ऑनर होंगे उतना ऑनर का आप लेजर क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे और बैकेट में ऑनर लिख देंगे, क्योंकि समझने दिक्कत नहीं होगा, आप इस तरह एक से ज़्यादा ऑनर भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऑनर ने जितना रुपया कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसका रिसिप्ट कर लेंगे।